स्टार प्लस पर आने वाला शो एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न में चल रहा है ढेर सारा ड्रामा, जहां आप देखेंगे कि कैसे जानवी अपने पुराने घर में प्रवेश करती है और उन सब चीजों के बारे में सोचती है कि कैसे उसने इस घर में अपना बचपन बिताया था। वो सारे पल याद करती है जो उसने अपने डैडा के संग बिताए थे। जानवी से मिलने उसकी अम्मा आती है, जिसके बाद जानवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अम्मा बताती है कि कैसे उसके डैडा उनके लिए भगवान समान थे। जब सब डॉक्टर्स ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था, तब जानवी के डैडा ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। लेकिन तभी जानवी कहती है कि इसी भगवान समान डैडा की हत्या कैसे पीके मित्तल ने कर दी थी। वो कहती है कि वो पीके मित्तल से हर चीज का बदला लेगी। वहीं दूसरी ओर काव्य आरुष को ढूंढती है और तभी जाकर जय उसे बताता है कि आरुष बाहर खेल रहा है। जैसे ही काव्य वहां जाती है, वो देखती है कि ईशान आरुष को पूल में गिराने की कोशिश करती है। काव्य सही समय पर आकर आरुष को बचा लेती है, जिसकी वजह से ईशान एक गलती से पूल में गिर जाती है। जैसे ये बात कबीर को पता चलती है, कबीर जोर जोर से काव्य पर हंसने लगता है। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जानवी ईशानी से प्रॉमिस करती है कि वो इस बार हार नहीं मानेगी। जहां वो देर रात बाहर निकलती है, जानवी को इतनी रात बाहर जाता हुआ ध्रुव देख लेता है और वो करने लगता है उसका पीछा। बल्कि ध्रुव को जानवी की सच्चाई पता लग पाएगी, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।